राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन। राष्ट्रपति ने कहा, सदियों बाद राम मंदिर का सपना हुआ पूरा। बजट सत्र की शुरुआत आज से, कल पेश होगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का पांचवा समन। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। बारामूला के ओरे इलाके में वाहन खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में ओरी जा रहा था वाहन, हादसे में 7 अन्य घायल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। महामहिम ने राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक और युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं और कामों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र से लेकर शिक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान 3 की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने जैसे ही राम मंदिर का जिक्र किया, मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई है। राष्ट्रपति के मुताबिक गुलामी के दौर में बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान किए। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है, वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। आप हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। बता दें कि अंतरिम बजट सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनावों के बाद चुनी गई नई सरकार की तरफ से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए बजट में आम जनता के लिए राहत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। दिल्ली शराब घोटाला केस में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन जारी कर 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने को कहा है। इससे पहले ईडी ने 4 समन जारी किया था और चारों बार अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले दिल्ली शराब कांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4थे समन के तहत ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल को 3रा समन 3 जनवरी के लिए भेजा गया था। वहीं पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। चारों समन में वो जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ SCST थाने में FIR दर्ज कराई है। हेमंत सोरेन की ओर से रांची ईडी जोनल ऑफिस के पदाधिकारी देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अज्ञात अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में कहा कि इन अधिकारियों ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को परेशान और बदनाम करने की कोशिश करी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि वो 27 और 28 जनवरी को दिल्ली दौरे पर गए थे। इस दौरान दिल्ली के शांति निकेतन स्थित आवासीय परिसर संख्या 5A में रुके। 29 जनवरी को उन्हें जानकारी मिली कि इन सभी ईडी अधिकारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उस परिसर में कथित तलाशी ली।
काशी ज्ञान वापसी से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज यानी कि बुधवार को ज्ञान वापसी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने साथ में ये भी निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर वहां पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा कि एएसआई के रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है कि हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में करेंगे। आज जज ने पूजा करने के लिए आज के तहखाने में जो हम लोग आस्था पत्र दिए थे इस पर रिसीवर द्वारा लिख किया गया था स्टेट और गुजरात काशी ट्रस्ट के माध्यम से पूजा शुरू करने का उन्होंने आदेश दे दिया है। 7 दिन के अंदर प्रारंभ करना जा रहा है और यह व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट ही करेंगे और काशी ट्रस्ट भी करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे और नियमित पूजा कराएंगे। यह आदेश बहुत बड़ी जीत हुई आज हिंदू समाज की, बहुत बड़ी जीत आज सनातनियों की, बहुत बड़ी जीत हुई है और जिस चीज का इंतजार हम लोग कर रहे थे आज नंदी भी हमारा है वहाँ पे बैठी इंतजार कर रही है, उसकी भी तपस्या आज पूरी हुई है और अब हमें पूजा करने का अधिकार मिला है। इसे जानकर हम लोग बहुत खुश हुई है। इस अहम फैसले का हम लोग चंचल का इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार पूरा हुआ। जो तलवारों की नोकों से इन्होंने हमारे मंदिरों को तहस नहस किया, हमारी मूर्तियों के साथ खिलवाड़, हमारी मूर्तियों को नष्ट किया, आज हम कलम की ताकत से जीत। आज कोर्ट में व्यास परिवार का जो तहखाना है उस तहखाने में पूजा पाठ का आदेश पारित कर दिया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ स्टार्ट करें और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को डायरेक्ट किया है कि वहां पे पूजा पाठ तुरंत स्टार्ट करें। तो ये बहुत बड़ी जीत है, हर आदमी जो है उस पूजा पाठ में शामिल हुआ। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि वादिनी 5 वादिनी महिलाओं में प्रथम वादिनी राखी सिंह के माध्यम से यहाँ पे खारिज की गई जनपद न्यायाधीश के कोर्ट से याचिका को हाई कोर्ट ने एडमिट कर दिया और जितने भी उसके पक्षकार हैं विपक्षी हैं सबको नोटिस देने का आदेश दे दिया है। तो इसलिए बड़ी बात है और इसमें शिवलिंग का आर्कियोलॉजी सर्वे नहीं हुआ था और बार बार मुस्लिम पक्ष द्वारा ये आपत्ति उठाई जाती थी कि वह फब्बारा है और हमारे द्वारा ये कहा जाता था कि वो शिवलिंग है। तो इसको डिफाइन करने की जो वैज्ञानिक संस्था वो आर्कियोलॉजी सर्वे है और आर्कियोलॉजी सर्वे के ही माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह क्या है। तो इस नाते अब हम इस मामले में प्रसन्न हैं कि ये आज एडमिट हो गई है और आगे की प्रोसीडिंग होगी तो अवश्य शाम तक उसमें ऑर्डर आ जाएगा हाई कोर्ट में, तो उसमें कौन सा अगला डेट पड़ा और क्या होना है उसी के तहत क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।